गाइस वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो टॉपिक है रीडिंग का, इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की जो लास्ट मीटिंग थी, या जिनके भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी और आपकी जो लास्ट मीटिंग थी, लाइक रिसेंट लास्ट मीटिंग थी, वो कैसी थी, तब वो क्या फील कर रहे थे, तब वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, वर्सेस नेक्स्ट मीटिंग जब होगी, इसके बाद जब आप उनसे मिलोगे या आमना सामना होगा, तो कैसा रहेगा वो मीटिंग और वो क्या महसूस करेंगे तब, या क्या एक्शन लेंगे तब, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लास्ट मीटिंग वर्सेस नेक्स्ट मीटिंग की ये रीडिंग होने वाली है। देखते हैं क्या कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज, ओके? ये लड़का या लड़की के लिए नहीं कर रही हूँ, ये हम एनर्जी रीड कर रहे हैं। लड़का लड़की कोई भी देख सकता है रीडिंग को, ठीक है? ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी, अगर आप चाहते हो कि नहीं दी मुझे अपने पर्सनल यू नो सिचुएशन के ऊपर रीडिंग चाहिए, तो पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखिएगा, वो पर्सनल रीडिंग्स मैं फ्री में नहीं करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में तो आपसे मैं कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, राइट? कोई भी यू नो ट्रांजैक्शन हम दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। बट जो पर्सनल रीडिंग्स होते हैं, वहाँ पे मैं बहुत टाइम देती हूँ, एनर्जी देती हूँ, तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है। प्लीज़, अभी भी कुछ लोग पूछते हैं, 2019 से मैं रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि मैं पैसे लेती हूँ या फ्री में करती हूँ, तो मैं फ्री में नहीं करती हूँ। ऑल्सो अगर आपको पर्सनली यू नो अपनी हीलिंग रिचुअल करानी है, रिश्ते के लिए, मैरिज के लिए, या रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए, या अपनी हीलिंग के लिए, तो रीच आउट करो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो, क्योंकि मैं कॉल पे रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ही रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो या वो भी चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। ऑल्सो अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि रोज़ क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, ब्लैक टॉर्मेलाइन, क्लियर क्वार्ट्स, तो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये रोज़ क्वार्ट्स है, ये क्या करता है, ये आपके रिश्तों को हील करता है, आपको करीब लाता है, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, इशूज़ है, उसको सॉर्ट आउट करके दिस क्रिस्टल ब्रिंग्स यू क्लोज़र, ठीक है? तो अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए अपने पर्पज़ के हिसाब से एक्टिवेट करा के, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि लास्ट मीटिंग आप दोनों की कैसी रही है, क्या कुछ वो तब महसूस कर रहे थे। हाउ वॉज द लास्ट मीटिंग? लास्ट मीटिंग कैसी थी आपके पार्टनर और आपकी? डिवाइन प्लीज बताए, तब वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे थे? हाउ वॉज द लास्ट मीटिंग आप दोनों की? सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है एडजस्टिंग द रिग्रेट्स, लोनली, सोलमेट्स, ओके? तो मैंने ये कार्ड्स निकाल लिए हैं लास्ट मीटिंग के लिए। अब और कार्ड्स निकालते हैं और क्लैरिफाई करते हैं एग्जैक्टली कि ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर और उनके पार्टनर के बीच जो लास्ट मीटिंग थी, तब उनके पार्टनर क्या फील कर रहे थे या क्या महसूस कर रहे थे। एडजस्टिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज़ एडजस्टिंग हियर? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए एडजस्टिंग ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, रिग्रेट्स क्यों है? व्हाई इज रिग्रेट्स हियर? इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, लोनली, ये फीलिंग क्यों थी इस पर्सन की? मिसिंग समवन, लॉन्गिंग। और सोलमेट्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज सोलमेट्स हियर? बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप। ओके, अब हम टैरो कार्ड से कार्ड्स निकालते हैं।
और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि लास्ट मीटिंग में अनसीन अनप्रेडिक्टेबल ये एनर्जी क्यों थी आपके पार्टनर की, अनप्रेडिक्टेबल अनसीन, इसके बारे में बताइए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, इन कंट्रोल ब्लाइंडेड बाय सोसाइटी, इन कंट्रोल ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, मिसिंग समवन लॉन्गिंग, द मून, बॉन्डिंग सेंशुअल और डीप, इसके बारे में बताइए। एम्प्रेस, वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब लास्ट टाइम आपकी उनसे मीटिंग हुई थी तब उन्होंने क्या महसूस किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे फील हो रहे हैं ना, हो रहा है वो ये है कि आपके पर्सन को ना, जब वो आपसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे या जब वो लास्ट टाइम आपको देख रहे थे, मिल रहे थे, उनको बहुत अंदर से ही बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रहा था। ओके, भले ही वो डिसीजन उनका हो आपके साथ बात ना करने का या आपके साथ रिश्ता कायम ना रखने का या जो भी, जैसी भी मीटिंग रही हो, अच्छी बुरी, दे वर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ जो वो डिसीजन ले रहे हैं या जिस डिसीजन को वो हाँ में हामी भर रहे हैं, वो उस डिसीजन से सहमत नहीं थे। उनको ऑलरेडी वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी, वो फ्रस्ट्रेशन, वो टेंशन फील हो रही थी पास्ट में। ठीक है, एंड तुरंत रिग्रेट किया है इस पर्सन ने। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करें, क्या वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही भी है या नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था, मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है वो संभल जाएंगे, अभी भले ही उनको बुरा लग रहा है लेकिन वो संभल जाएंगे, वो अपने आप को संभाल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे लाइफ में। उन्होंने ट्राई भी किया अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करने का, उन्होंने ट्राई डेफिनेटली किया। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, उनको ये नहीं पता था कि आगे जाके मुझे इतना ज़्यादा ये चीज़ परेशान करेगी, मैं इतना ज़्यादा, मुझे ये चीज़ स्ट्रेस देगी आगे जाके, इतना ज़्यादा ये चीज़ मेरे को डिप्रेस करेगी आपसे दूर होना, स्पेशली अगर उन्होंने डिसीजन लिया आपसे दूर होने का, या फिर उनको मतलब आपने अगर डिसीजन लिया और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने उस वक्त हाँ में हाँ भर दी कि ठीक है तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, ठीक है मुझे भी नहीं रहना, बट तब उनको नहीं पता था कि उनको इतना फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम फ्यूचर तो नहीं देख सकते ना, सब लोग तो टैरो रीडर्स नहीं हो ना। तो यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन को एडजस्ट करने में आपके बिना बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। ओके, दे आर नॉट हैप्पी, उनको लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा हिल जाएंगे, यू नो उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन के ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे या फिर ये पर्सन ही ऐसे थे जो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, यू नो, या मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। दे वर डेफिनेटली, उनकी आंखों पे एक पट्टी लग गई थी, लोगों के बारे में सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ रहे थे, रिश्ते से ऊपर रख रहे थे लोगों की सोच को, लोगों के थॉट्स को और कहीं ना कहीं उनको बाद में जाके ये पता चला कि ये लोग तो मेरे अपने हैं ही नहीं, ये लोग तो, इनको तो मेरे हंसने मरने से, जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इन लोगों की बातों में आके या इन लोगों की परवाह करके मैंने उस इंसान को छोड़ दिया या उस इंसान को दुख दिया जो मेरा सब कुछ था। तो डेफिनेटली तुरंत रिग्रेट हुआ है इस पर्सन को, स्पेशली अगर लोगों के वजह से इन्होंने आपको छोड़ा या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको छोड़ा। ठीक है, ऑल्सो ये पर्सन जब से लास्ट मीटिंग हुई है तब से लेकर अब तक ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये सोचना आपके बारे में, अपने दिमाग से आपकी सोच को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पर्सन डूबे हुए हैं आपके ख्यालों में, इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पर्सन लोनली फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, और एक खालीपन, एक अकेलापन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है,
तो खुश तो नहीं है ये पर्सन आपके बिना, बहुत दुखी है, बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। और रात का समय स्पेशली ऐसा होता है जब ये पर्सन अकेले होते हैं, तो और ज़्यादा वो अकेलापन उन्हें खाता है, और ज़्यादा वो अकेलेपन का एहसास उन्हें होता है रात के समय। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे जब से दूर हुए हैं या आपसे जब से बात नहीं कर रहे हैं ना, ये ठीक से सो पाए हैं, मुझे नहीं लगता। बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान दिख रहे हैं मुझे, खोए 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 से लग रहे हैं। मतलब जी तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपना काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, सब कुछ चल रहा है ठीक से, लेकिन एक अवेयरनेस नहीं है। जैसे होता है ना कि आपने कभी ये चीज़ महसूस की है क्या कि कभी कभी ना आपको ऐसा लगता है कि बहुत डल फील होता है, मतलब आप जी तो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक लाइवलीनेस फील नहीं होती है। ठीक है, वैसे ही ये पर्सन जब से आपसे दूर हुए बहुत ज़्यादा लोनली और बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं। ठीक है, और स्पेशली अकेले पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़, इस पर्सन को डेफिनेटली फर्स्ट मीटिंग में आपके, मतलब फर्स्ट सॉरी लास्ट मीटिंग में आपके तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हुआ और एक स्पेशल बॉन्ड फील हुआ आपकी तरफ, उनको लिटरली ऐसा फील हुआ आपको देख कर के, यही मेरा सोलमेट है, इसी के साथ मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ तो है जो हमें खींच रहा है, कुछ तो है जो हमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ तो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है हम दोनों के बीच में। और नॉट जस्ट आपकी लुक्स को ये पर्सन अट्रैक्ट हुआ आपके लुक्स की तरफ, लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ने इनको बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, एक अलग ही लेवल का इंटीमेट कनेक्शन इनको आपके साथ फील हुआ। ओके, सो डेफिनेटली जो लास्ट मीटिंग थी इस पर्सन के लिए, भले ही इन्होंने आपको छोड़ा हो या भले ही इन्होंने दूर जाने का डिसीजन लिया हो, लेकिन दे वर नॉट हैप्पी, क्योंकि प्यार तब भी था, अब भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है आप दोनों की, वो कैसी होने वाली है। आप दोनों की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो कैसी होने वाली है, लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है हमारे व्यूअर और उनकी पार्टनर की, वो कैसी होगी। यहाँ पे कामिंग है, फिर है यहाँ पे कंपैटिबल, फिर है ऑब्स्टैकल्स, फिर है यहाँ पे वुंडेड। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे डेक से इन कार्ड्स को एक्सटेंड करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं ये कामिंग की एनर्जी क्यों है, फ्यूचर एनर्जीज में कामिंग क्यों है, स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स कंपैटिबल क्यों है, मिराकल्स सरप्राइजेस ब्लेसिंग्स ऑब्स्टैकल्स क्यों है, रिस्क टेकर एडवेंचरस हाई होप्स वुंडेड क्यों है, क्रिएटिंग बॉन्ड अनडिफाइंड अनकंडीशनल लव। ओके, तो इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है, अब टैरो कार्ड से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। रिमाइंड हमें प्लीज़ बताएं स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स क्यों है यहाँ पे फ्यूचर एनर्जीज़ में, फ्यूचर मीटिंग एनर्जीज में क्यों है स्लेव टू अनहेल्दी। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मिराकल सरप्राइजेस ब्लेसिंग्स क्यों है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हाई रिस्क टेकर, हाँ सॉरी रिस्क टेकर एडवेंचरस हाई होप्स क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्रिएटिंग बॉन्ड अनरिफाइंड अनकंडीशनल लव क्यों है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो, टक्कर के हो बिल्कुल ही। ठीक है, अगर वो शेर है तो आप सवा शेर हो, अगर आप शेर हो तो वो सवा शेर है, मतलब बिल्कुल भी कांटे की टक्कर है आप दोनों के बीच। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये देख रही हूँ कि जब से आपके पर्सन आपसे लास्ट टाइम मिले हैं तब से लेकर अब तक, अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो आप दोनों, मतलब उसके बाद ही आप दोनों के बीच कॉन्टैक्ट बंद हो गया, ना उसके बाद कभी मिलना हुआ ना बात हुई, ये पर्सन ने ना कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया
जिससे उनको लगता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ और मैं कुछ स्पेसिफिक किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये हो सकता है स्मोक करना, ड्रिंक करना या कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे कि वो थोड़ा सा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। ओके, अगर ऐसा है, अगर आपके पर्सन स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो ये चीज़ आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। जब से आपसे दूर हुए हैं वो चीज़ उनको इतनी हिट करी है लास्ट मीटिंग से अब तक, मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैबिट्स अपनाए हैं। मे बी टाइम पे खा नहीं रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपने आप को जैसे इन्होंने पनिश कर लिया है। दे आर नॉट हैप्पी सिंस लास्ट यू गाइज मेट, क्योंकि उनको वो जो एंडिंग, वो जो सेपरेशन, वो जो नो कॉन्टैक्ट, अब वो आपको देख नहीं पाएंगे, वो आपसे मिल नहीं पाएंगे, ये चीज़ उनसे सही नहीं जा रही है। तो वो ऐसी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं जिससे उनको थोड़ा सा उनका माइंड काम हो जाए, थोड़ा सा वो अपने आप को शांत करे। ठीक है, देखो अभी अगर ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अगर स्मोक या ड्रिंक नहीं करते हैं, तो मैं सिर्फ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ। इन्होंने अपना हाल ही इतना बुरा बना लिया है कि जो नॉर्मली जब इंसान खुश होता है वो कैसे रहता है, वो सही समय पे उठता है, सोता है, अपने सही समय पे खाना पीना हर चीज़ करता है, अपनी देखभाल करता है। ये पर्सन के अंदर वो पीस ही नहीं रहा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता नहीं अब वो आपको देख भी पाएंगे या नहीं, वो आपसे कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, या फिर आपके साथ उनका रिश्ता पहले जैसा हो भी पाएगा या नहीं। तो वो सुकून, वो एक कामनेस उनको नहीं मिल रही है आपके अलावा, आपके सिवा। सो डेफिनेटली ये पर्सन दे नॉट हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अपने आप पे हार्श हो रहे हैं, उनको सुकून नहीं मिल रहा है, देयर माइंड इज़ नॉट काम, शांत नहीं है उनका मन बिल्कुल भी इस वक्त। और ये चीज़ आप देखोगे जब आप नेक्स्ट टाइम उनसे मिलोगे ना, एकदम से वो बहुत काम हो जाएंगे, बहुत शांत हो जाएंगे। अगर उनकी बहुत चिड़चिड़ हो रही थी तो एकदम से शांत हो जाएंगे। अगर वो कुछ गलत चलत चीज़ें खा पी रहे हैं, एकदम से बंद कर देंगे, क्योंकि आप उनका पीस हो, आप उनकी सुकून हो, आप उनको कामनेस फील कराते हो। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो आपको पास्ट में बोल रहा था कि तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद नहीं है, तुम ये करते हो तो मुझे पसंद नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम झगड़ते हो, तुम ये करते हो, तुम मुझे कंट्रोल करते हो, तुम हमेशा झगड़ा करते हो, गुस्से में रहते हो, मतलब जो इंसान आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ देख रहे थे और वो आपको बोल रहे थे कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं, वी आर नॉट कंपैटिबल इनफ, वही इंसान आप देखोगे एकदम शॉकिंग होगा ये आपके लिए कि एकदम से बदल जाएगा, एकदम से ये पर्सन खुद भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगा। अगर आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन तो मेरे कंपैटिबिलिटीज़ की और मेरी नहीं है, ये इंसान और मैं कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, तो एकदम से आप देखोगे कि एकदम से ये पर्सन आपके लिए अपने आप को बदल रहे हैं, अपने मतलब एक कंपैटिबिलिटी लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। और ये चीज़ एकदम आपके रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग की तरह होगी और ये आपको बहुत सरप्राइज़ करेगी कि ओके, ये इंसान मेरे लिए ये चीज़ें कर रहा है। ओके, और ये चीज़ आपको शॉकिंग लगेगी। ओके, और बहुत खुश होंगे आप ये चीज़, ये इनके अंदर का बिहेवियरल चेंज देखकर। और अगर आपके बारे में ऐसा सोचते थे तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको खुद बोलेंगे कि नहीं, तुम ही हो इस पूरी दुनिया में जिसके साथ मैं कंपैटिबल फील करता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि इस इंसान को फ्यूचर में आप देखोगे जब आप नेक्स्ट टाइम इस पर्सन से मिलोगे ना, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का इस रिश्ते को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो देखकर वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार अगर ये इंसान मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ये इंसान अगर मेरे लिए रिस्क ले सकता है, ये मतलब वो आपको अपने से बेटर मानते हैं और वो ये सोचेंगे कि अगर ये इतना बेटर है मुझसे और फिर भी ये मेरे लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसकी होप्स, इसने हारी नहीं है तो मैं क्यों हार रहा हूँ। प्रॉब्लम्स तो हर रिश्ते में आती है, ऑब्स्टैकल्स तो आएंगे रिश्ते में, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करनी पड़ेगी, आउट ऑफ वे जाके कुछ मुझे करना पड़ेगा। ओके, तो ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हैं और बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपको मिलने वाले हैं। आप देखोगे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो पास्ट में भी नहीं था। काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है पास्ट में सिर्फ अपने अंदर ही रखते थे, उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे शो करने के लिए, क्योंकि लोगों के बारे में सोचना, इसके उसके बारे में सोचना। अब वो कॉन्फिडेंस मैं उनके अंदर नेक्स्ट मीटिंग में देख रही हूँ, जो आप भी देखोगे। ठीक है, और वो चीज़ आपको और इनके तरफ अट्रैक्ट करेगी कि यार ये इंसान कितना कॉन्फिडेंट हो गया है, ये अब सोच रहा है मेरे बारे में, ये अब रिस्क ले रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है,
या प्रॉब्लम की तरफ नहीं सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप देखोगे थोड़ा सा ये पर्सन, देखो ये ना सारी दुनिया के सामने ढीठ बन सकते हैं, हिम्मत वाले दिख सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये जैसे ही आएंगे ना, ये पर्सन एक ऐसा आपको शो करेंगे कि देखो मैंने अपना क्या हाल कर लिया है प्यार में, तुम्हारे प्यार में मैंने अपना देखो हाल क्या कर लिया है, मैं कितना दुखी हूँ, मेरा दिल कितना पसीज रहा है, मैं कितना रो रहा हूँ, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गुस्सा, नाराज़गी, एटीट्यूड, ईगो, हर चीज़ छोड़कर आपके साथ एक बॉन्ड तैयार करेंगे, एक अनकंडीशनल प्यार का एक बॉन्ड आपके साथ क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप इनके बिहेवियर में देखोगे। ओके, हाँ ये थोड़े प्रोटेक्टिव आपको लेकर हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन का प्रॉब्लम ही है कि ये जेलस होते हैं, ये प्रोटेक्टिव है। अगर कोई चीज़ इनकी है तो वो इन्हीं की होनी चाहिए, फिर कोई उसके तरफ आँख उठा के भी नहीं देख सकता। सो या अगर आप आगे जाके देखो, ये पर्सन आपको पूरा प्यार देंगे, अनकंडीशनल प्यार देंगे आपको, और आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाएंगे जो जिसका कोई यू नो इट विल बी वेरी प्योर बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आप छोटी मोटी भी गलती कर देते हो, उस पर्सन को बहुत दुख होगा, और वो मतलब आने वाले समय में जब ये फर्स्ट मिलेंगे ना आपसे, इनकी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है आपके साथ, ये पर्सन बहुत वल्नरेबल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओपन होने वाले हैं, इमोशनली सेंसिटिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा करेक्ट वर्ड होगा सेंसिटिव, ठीक है। सो या चलो देखते हैं लव मैसेजेस, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पास्ट में ये पर्सन जब लास्ट टाइम आप मिले थे तभी आपसे क्या कहना चाह रहे थे, हमारे एक होने का वक्त है अब। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जा तो आपसे दूर रहे थे, लेकिन तुरंत इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी मुझे एक होना है, अभी मुझे वापस जाना है उसके पास, ठीक है। और दिन ब दिन मेरा प्यार बढ़ रहा है, तो यस डेफिनेटली इस पर्सन का प्यार बढ़ता गया है विद टाइम। आई लव यू इवन मोर नाउ देन एवर, देखो दूरियों से इस पर्सन का प्यार डेफिनेटली बढ़ा है। ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अफार, तो ये दूर होकर भी आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको ही देख रहे थे। आई नेवर रियली शो माई रियल फीलिंग्स, तो मैं कभी भी अपनी रियल फीलिंग्स नहीं शो कर पाता तुम्हें। वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, तो ये सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। आई नो हाउ टू वू यू, तो इनको इन्होंने आपको इसलिए भी जाने दिया क्योंकि उनको पता है वो आपको पटा सकते हैं, वो आपका दिल जीत सकते हैं। दे नो हाउ टू इम्प्रेस यू। द वे सेपरेशन हैपेंड वॉज बैड, तो जिस तरह से हम दूर हुए बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं था। आई नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड, मे बी उनको कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी अपनी लाइफ में। और लास्ट मैसेज है, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट माई फैमिली, तो मे बी फैमिली रीज़न थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना नहीं पास्ट में। चलिए देखते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ऐसा क्या है जो वो कहना चाहेंगे आपसे या कहेंगे। हमारे प्यार से हमारा प्यार ज़रूर से जीतेगा, सी वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि हमारा प्यार तो भाई जीतेगा। आई एम अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो ये बता सकते हैं आपको कि वो किस इन्फ्लुएंस के अंडर है, कौन है जो उन्हें रोकता है, कौन है जो उनको टोकता है। हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, तो डेफिनेटली ये एक रिश्ते की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कटिंग एवरी वन ऑफ माई लाइफ, तो जो लोग आपको पसंद नहीं है या जो चीज़ें उनको आपको उनके अंदर पसंद नहीं है, वो उन लोगों को वो सिचुएशंस को वो कट ऑफ करने वाले अपनी लाइफ से। यू आर टू गुड फॉर मी, तो ये बोल सकते हैं आपको कि यार मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, तुम मेरे से बहुत बेटर हो। बींग मोर ओपन टू माई, आई टोल्ड यू, ये मैंने लास्ट जो बहुत बताई आपको बात यही थी, वो और ज़्यादा ओपन होने वाले अपने इमोशंस को लेकर, ठीक है। सेंसिटिव, ओके प्लीज़ डू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो ये आपको अपनी सिचुएशन समझाएंगे। सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, तो जब ये आपसे मिलने आएंगे तो आपको या उनको बहुत सारे साइंस दिखेंगे। ओके, आई नो यू आर रियली डिसअपॉइंटेड, तो ये आपको बोल सकते हैं आने वाले समय में जब मिलेंगे कि मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है, नाराज़ किया है, निराश किया है, दिल से अब सारे डिसीजंस लेने हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन अब जो फ्यूचर में डिसीजंस लेंगे वो सारे दिल से लेंगे। और लास्ट मैसेज है, हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना होगा। सो सी, वो आपका साथ चाहते हैं, उनको पता है कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो वी हैव टू टेक यू नो हाथ हाथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। सो यहाँ कैसे लगी ये रीडिंग, मुझे लगता है ये टॉपिक मैंने फर्स्ट टाइम ही
मेरे चैनल पे कवर किया है, तो क्या मुझे ऐसी रीडिंग्स बनानी चाहिए अलग अलग न्यू न्यू टॉपिक्स पे? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। मेरे दिमाग में बहुत टॉपिक्स होते हैं लेकिन लोगों को करंट फीलिंग्स ही देखना पसंद है, तो मैं काम करती जाऊँगी। मैं एक दिन करंट फीलिंग्स और एक दिन मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी ताकि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले और चीज़ें समझ आए। ठीक है, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है गाइज। आपके कमेंट्स आपके लाइक्स मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, बेशक मैं हर कमेंट को लाइक या कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग या एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या फिर रिचुअल करानी है, मेरा नंबर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कीजिए। ऑल्सो वीडियो को लाइक बिल्कुल किए बिना नहीं जाना है। एंड मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पेज है और मेरे और भी चैनल्स हैं। अगर आप जिन लोगों को पता नहीं है जो अभी अभी जुड़े हैं चैनल से, मैं बता दूँ मेरे और भी तीन चार चैनल्स हैं, इसके अलावा और तीन चैनल्स हैं। जाओ उन चैनल्स पर भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको दिन भर कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहे। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।